नमस्कार साथियों, आज मैं फिर आप लोगों के सामने अन अकेडमी के इस मंच पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और एक और नया चैप्टर मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं जो बिहार के इतिहास से संबंधित है। पढ़ना तो है भारत के संदर्भ में, लेकिन बिहार ने इसमें किस प्रकार से भूमिका निभाया वह हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे। जैसे छोटा छोटा चैप्टर है तो मैंने यहां शामिल किया है कांग्रेस और बिहार। आप देख रहे हैं यहां बिहार की भागीदारी कांग्रेस में कैसी रही, यह हम लोगों को देखना है जो अधिवेशन से क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए मैंने शामिल किया है इसको कि आपका क्वेश्चन कोई छूटे नहीं। उसके बाद होम रूल लीग आंदोलन और बिहार, होम रूल लीग से दो तीन ही पॉइंट बनता है और वहां से भी क्वेश्चन आप लोगों को बन जाए, गलत नहीं हो, इसलिए छोटा सा टॉपिक मैंने इसको भी शामिल कर लिया है। और अंत में क्रांतिकारी आंदोलन और बिहार, क्रांतिकारी आंदोलन में बिहार के लोगों ने या बिहार ने किस प्रकार से भूमिका निभाया था यह हम लोगों को देखना है। आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं और भारत छोड़ो आंदोलन तक की हम लोग चर्चा जो है वह कर चुके हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार ने किस प्रकार से भूमिका निभाया था। असहयोग आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में, किसान आंदोलन में, जनजातीय आंदोलन में, यह सब मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया और सहज बनाया बिहार के इतिहास को। उसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए यहां पर कांग्रेस और बिहार की चर्चा करूंगा जो आप लोगों को पूर्ण रूप से यहां समझ में आए। कांग्रेस, हम लोग जानते हैं कि कांग्रेस का जन्म जो है वह 1885 में हुआ था और यहीं से राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती है। कांग्रेस, यहां अगर बात करें कांग्रेस, यह जो है ना लैटिन अमेरिकी शब्द है कांग्रेस, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है समूह, इस कांग्रेस का। और अखिल भारतीय कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसको हम लोग कहते हैं। जब 1857 का विद्रोह हुआ तो अंग्रेजी सरकार जो थी वह काफी चिंतित हो गई कि इतने बड़े, इतने व्यापक पैमाने पर इन लोगों ने हिंसक आंदोलन को कर दिया अपने देश को आजाद कराने के लिए, तो भविष्य में ये लोग इस प्रकार के और भी आंदोलन कर सकते हैं, तो क्यों नहीं एक ऐसे राजनीतिक मंच को खड़ा किया जाए, एक ऐसे संगठन का निर्माण किया जाए जिस संगठन के माध्यम से भारत के लोगों में जो गुस्सा अंदर भरा है उसको धीरे धीरे निकाला जाए, सुरक्षा नली के रूप में, सेफ्टी बल्ब के रूप में। दूसरी तरफ भारतीय यह सोच रहे थे कि हम लोग कोई भी संगठन बना रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के पहले भी बहुत सारे संगठन बने थे और वह असफल हो गए थे, तो हम लोग कोई भी संगठन बना रहे हैं तो सरकार या तो उसको कुचल दे रही है या वह क्षेत्रीय स्तर का रह जाता है, अखिल भारतीय स्तर का वह नहीं हो पाता है साथियों। इसलिए भारतीयों की सोच जो थी वह भी एक ऐसा सोच था कि हम लोग भी अंग्रेजों को आगे करके एक ऐसे संगठन का निर्माण कर दें जिसके माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन को चलाया जाए। और साथियों, यहां पर राष्ट्रीय आंदोलन को चलाने का कार्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किया गया, मतलब भारतीयों ने अपनी तरफ से चाल चला
अंग्रेजों ने अपनी तरफ से चाल चला और दोनों चाल के सम्मिश्रण के रूप में एक नए संगठन का जन्म हुआ जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कांग्रेस, संक्षिप्त में कांग्रेस कहते हैं। ऐसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से इसको जाना जाता है। परीक्षा में पूछ दे कि इसका जन्म किस रूप में हुआ, सेफ्टी बॉल, सेफ्टी वॉल्व के रूप में या सुरक्षा नली, सुरक्षा नली के रूप में या तड़ित चालक, तड़ित चालक या निकास नली बहुत सारे नामों से संबोधित किया गया। सेफ्टी बॉल, सुरक्षा, प्रेशर कुकर से आप समझ सकते हैं कि प्रेशर कुकर तो हर घर में है और उसमें सेफ्टी बॉल्व जो है वह लगाया रहता है कि अगर ज्यादा प्रेशर हो जाए तो उसे सेफ्टी बॉल्व के माध्यम से वह प्रेशर जो है वह बाहर निकल जाए और कुकर जो है वह विस्फोट नहीं करे। तो उसी रूप में इस कांग्रेस का जन्म हो गया। और आप लोग सब कोई जानते हैं कि कांग्रेस के जनक कौन थे, एलन, एलन ऑक्टेवियन, ह्यूम, ए ओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इन्हीं को कांग्रेस का जनक माना जाता है। साथियों, कांग्रेस का जन्म जो है बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में 1885 में हुआ था। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में 1885 में इसका जन्म हुआ था और इस समय 1885 इस समय केवल 72 व्यक्ति उपस्थित थे और कांग्रेस नामक संगठन को खड़ा कर दिया 72 व्यक्तियों ने। इसमें अब क्वेश्चन बिहार, यह तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन अब बिहार से जो क्वेश्चन बनेगा वह आपको देखना है कि कांग्रेस की स्थापना के समय, कांग्रेस का जब स्थापना हुआ, स्थापना, तो इस समय बिहार के कितने सदस्य इसमें शामिल थे, यह आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। इन 72 व्यक्तियों में बिहार से कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया था, एक भी नहीं, एक भी प्रतिनिधि स्थापना के समय बिहार का मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में उपस्थित नहीं था। तो यह स्थापना हो जाता है 1885 में और इसके बाद 1886 की अगर हम लोग बात करें, 1886 यह बंबई में हुआ तो यह कलकत्ता में हुआ अधिवेशन, क्योंकि निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक वर्ष के अंत में मतलब दिसंबर माह में वार्षिक अधिवेशन होगा और साल भर का लेखा जोखा जो है उसमें निकाला जाएगा। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे 1886 में। अब यहां पर बिहार के लोग शामिल होते हैं और 31 बिहारी, बिहार के 31 लोग जो है इसमें शामिल हो गए, पहले में एक भी नहीं और दूसरा में 31 बिहारी जो है इसमें शामिल हो जाते हैं। तीसरा अधिवेशन, तीसरा अधिवेशन होता है 1887 में मद्रास में यहां, और इसमें बिहार से कितने, तो दो लोग जो है वह बिहार से शामिल हुए।
नाम है सालीग्राम सिंह, सालीग्राम सिंह, और गुरु प्रसाद सिंह। यह दो लोग इसमें इस सम्मेलन में कांग्रेस के तीसरे सम्मेलन में शामिल हुए। तो यह प्रारंभिक बात है और इसमें मैंने बिहार से संबंधित जो महत्वपूर्ण बात था यहां पर आप लोगों को बतलाया। इसका पहले आप स्क्रीन शॉट लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो है बिहार में जो सम्मेलन हुआ या बिहार से संबंधित जो तथ्य है वह काफी महत्वपूर्ण है और वह थोड़ा ज्यादा है, तो बोर्ड पर हम लोग इसको देखेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर याद हो गया, याद तो यह आप लोगों को पहले से है, अब यह बिहार से नाम याद रख लेना है। यह कितने शामिल हुए, यहाँ एक भी शामिल नहीं हुए, यही तो आप लोगों को याद रखना है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में सबसे पहले कब हुआ, 1912 में। यह सबसे पहले बिहार में हुआ अधिवेशन, और यह कहां हुआ, तो बांकीपुर कहां, तो पटना। दोनों विकल्प में देगा आंसर हम लोगों को बांकीपुर देना है, बांकीपुर नहीं रहेगा तो पटना हम लोग देंगे। और अध्यक्ष कौन थे इसमें, अध्यक्ष आर एन माधोलकर यह अध्यक्ष थे, यह पूछा जाता है। और यहां पर बिहार के जो व्यक्ति थे जिनको सचिव के रूप में स्थापित किया गया था वह कौन थे, सचिदानंद सिन्हा, सचिव या महासचिव कह सकते हैं, स्वागता अध्यक्ष जिसको कहते हैं मौलाना मजहरुल। तो यह लोग बिहार से इसमें जो है वह शामिल थे। तो पहली बार कांग्रेस का यह सम्मेलन जो है पटना के बांकीपुर में संपन्न कर दिया जाता है, याद रखिएगा इसको। इसके बाद बिहार में यह पहला, अब बिहार में अब दूसरा सम्मेलन, और यह होता है 1922 में, 10 साल के बाद। यह 27वां सम्मेलन था, 27वां कांग्रेस का अधिवेशन। और 1922 में हुआ कहां, तो गया। और यह 37वां अधिवेशन, था। अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष चित्रंजन दास, इनको देशबंधु चित्रंजन दास कहा गया है, देशबंधु। तो देश बंधु
यह देश बंधु की उपाधि इनको किसने दिया? गांधी जी ने दिया था। देश बंधु की उपाधि इनको गांधी जी के द्वारा जो है वह दिया गया था। तो यह तो मैंने क्रम से यहां पर लिख दिया, पहला दूसरा एक तीसरा भी आएगा, लेकिन बीच में भी एक अधिवेशन कांग्रेस का आता है जो काफी महत्वपूर्ण अधिवेशन माना गया है, और वह अधिवेशन भी हम लोगों को यहाँ बिहार जब पढ़ रहे हैं तो जानना है। जब हम लोग भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पर भी चर्चा इन तीनों अधिवेशनों का किया जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें तो अधिवेशन जो है यह 1916 और यह अधिवेशन बिहार में नहीं हुआ, यह लखनऊ में हुआ, लेकिन बिहार से यह संबंधित है। यह लखनऊ में हुआ और इसके अध्यक्ष जो थे एसी मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार, संक्षिप्त में इनको एसी मजूमदार कहते हैं, अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। क्यों मैंने इसको यहां पर शामिल किया? क्योंकि इसी लखनऊ अधिवेशन में कौन शामिल हुए थे बिहार से? राजकुमार शुक्ल, जो आप लोग पढ़ चुके हैं, इस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल शामिल हुए थे और चंपारण की समस्या इन्होंने रखा था, और इसी अधिवेशन में गांधी जी से मिल करके चंपारण आने का अनुरोध किया था, और गांधी जी चंपारण गए भी और चंपारण सत्याग्रह आंदोलन भी शुरू कर दिया। तो इसके लिए यह महत्वपूर्ण है। यहां पर साथियों, इस अधिवेशन में बिहार से संबंधित दो प्रस्ताव पारित किया गया, एक चंपारण के नील खेती से संबंधित और दूसरा पटना विश्वविद्यालय से संबंधित। यह दो बिहार से संबंधित यहां पर निर्णय जो है वह लिया गया था। तो इस रूप में यह 1916 का लखनऊ अधिवेशन काफी महत्वपूर्ण जो है वह हो जाता है। इसी के बाद 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना भी कर दिया गया था। तो यह अधिवेशन हो गया। अब बिहार में तीसरा अधिवेशन होता है, तीसरा अधिवेशन, और यह हुआ 1940 में। 40 में कहां? रामगढ़ हजारीबाग के समीप, वर्तमान में कहां? तो झारखंड। परीक्षा में पूछ दे थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए कि झारखंड में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ, तो यही आंसर हो जाएगा। और यह बिहार में तीसरा अधिवेशन था। क्लियर हो गया आप लोगों को? जैसे भी क्वेश्चन पूछे जवाब देना है। अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम। आजाद, आजादी के पहले यह सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष थे, क्योंकि यह जो है
कांग्रेस के जब अध्यक्ष बने तो यह विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध, इसलिए 1940 से लेकर के 1945 तक कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ, तो यही कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर रह गए। इसलिए आजादी के पहले सबसे लंबे समय तक मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो कांग्रेस से संबंधित जो आप यह तथ्य देख रहे हैं, यह इतना ही तथ्य है। और एक प्रश्न यहां से परीक्षा में हमेशा पूछ दिया जाता है, कभी कभी क्वेश्चन बैंक होगा तो कभी कभी आप देखिएगा दो या तीन प्रश्न भी इतना ही से पूछा गया है। तो आपको यहां कांग्रेस और बिहार से संबंधित तथ्य समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे होम रूल लीग आंदोलन और बिहार। साथियों, इसमें जो नाम आप देख रहे हैं यह सभी एक से बढ़कर एक जो है वह नाम है, और किसी भी रूप में इन नामों को कम करके आंका नहीं जा सकता। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और इसके बाद हम लोग होम रूल लीग आंदोलन और बिहार, या होम रूल लीग आंदोलन में बिहार की संक्षिप्त भूमिका भी इसको कह सकते हैं, उसका यहां पर अध्ययन करेंगे। यह महत्वपूर्ण तथ्य है, याद तो आपको रखना ही पड़ेगा। आप चाहे स्क्रीन शॉट लीजिए या इसको देख करके नोट्स बनाइए या ऐसे आप याद कर लीजिए। अब आते हैं यहां होम रूल लीग आंदोलन और बिहार। होम रूल लीग, होम रूल लीग आंदोलन, १९१६ में हुआ था। देखिए, विश्व स्तर पर अगर पूछा जाए तो श्रीमती एनी बिसेंट का नाम आता है। एनी बिसेंट जो थी वह आयरलैंड की रहने वाली थी और उन्होंने आयरलैंड में होम रूल लीग आंदोलन का सफल संचालन जो है वह कर दिया था। और जब भारत का इतिहास हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे मैडम हेलेना पेट्रोवाना ब्लावात्स्की, मैडम हेलेना पेट्रोवाना ब्लावात्स्की ने 1875 में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किया था, थियोसोफिकल सोसाइटी, और इसको लोकप्रिय बनाने का कार्य श्रीमती एनी बिसेंट ने किया था। उसी एनी बिसेंट का यह कॉन्सेप्ट था। लेकिन भारत में अगर पूछे तो इसकी शुरुआत जो है बाल गंगाधर तिलक ने किया था। देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किया था। गृह शासन की प्राप्ति इसको कहते हैं, स्वशासन की प्राप्ति भी इसको कहते हैं, और सितंबर में श्रीमती एनी बिसेंट आकर के इसमें जुड़ जाती है। मतलब भारत में बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बिसेंट ने मिलकर के इस आंदोलन को चलाया था। इसी अवसर पर बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध कथन है, हो सकता है कि इस बार पूछ दिया जाए, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसको लेकर रहेंगे। तो साथियों, यह आंदोलन चलाया गया और इसका प्रभाव जो है वह बिहार पर भी पड़ जाता है और बिहार में होम रूल लीग आंदोलन को संचालित किया गया। बिहार में 1916 में बिहार के बांकीपुर पटना
1916 में बांकीपुर में होम रूल लीग आंदोलन को स्थापित किया गया और यहीं से आंदोलन जो है वह बिहार में धीरे धीरे चारों तरफ फैलने लगता है। तो बांकीपुर से शुरुआत किया गया, पहला पॉइंट बिहार के संदर्भ में। दूसरा, बिहार में होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बिहार में नेतृत्व मौलाना मजहरुल हक ने इसका नेतृत्व किया था। तो यह काफी महत्वपूर्ण पॉइंट हो जा रहा है। इन्हीं के नेतृत्व में बिहार में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया। 1918 में स्वयं एनी विसेंट ने बिहार की यात्रा किया था, लेकिन सरकार यहां चाल चल देती है। केंद्रीय स्तर पर सरकार ने 1917 में ही यह घोषणा कर दिया कि 1919 में जो अधिनियम लाया जाएगा उसमें उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था का प्रयास किया जाएगा। इसलिए बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी विसेंट ने इस आंदोलन को धीरे धीरे समाप्ति की तरफ अग्रसर कर दिया। जब राष्ट्रीय स्तर पर यह आंदोलन समाप्त हुआ तो बिहार में भी होम रूल लीग आंदोलन जो है वह समाप्त हो जाता है। तो बिल्कुल संक्षिप्त बात है, पटना के बांकीपुर से यह शुरू हुआ था और मौलाना मजहरुल हक ने इसको नेतृत्व प्रदान किया था। होम रूल लीग का मतलब है गृह शासन की प्राप्ति। और साथियों, भारत का इतिहास जब पढ़ेंगे तो बहुत सारा उसमें चर्चा करेंगे, कौन सी पत्र पत्रिका, कौन सी पुस्तक के माध्यम से एनी विसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने इसका प्रचार प्रसार किया था। स्क्रीनशॉट आप इसका लीजिए और इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन। आप लोग भी नौजवान हैं, क्रांतिकारी विचारधारा से प्रेरित है, बिहार को और देश को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन कानून के दायरे में रह करके। वैसे क्रांतिकारी, छात्र क्रांतिकारी के रूप में आपको अपने आप को स्थापित करना होगा, सत्य और अहिंसा को लेकर के चलना होगा। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अब हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ेंगे। एक तरह से आप कह सकते हैं कि क्रांतिकारी आंदोलन में बिहार की भूमिका, बिहार के लोगों ने किस प्रकार से क्रांतिकारी आंदोलन में सहयोग किया था। तो मैं यहां लिख रहा हूं क्रांतिकारी, आंदोलन और बिहार। भारत को आजाद कराने के लिए सभी प्रकार के आंदोलन किए गए, सभी लोगों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित किया। वो आदिवासी क्यों नहीं हो, किसान क्यों नहीं हो, मजदूर क्यों नहीं हो, आम जनता, नेता, यहां तक कि क्रांतिकारी विचारधारा के नौजवान, वैसे नौजवान जो अपनी प्राणों की रक्षा, प्राणों की प्रवाह किए बिना भारत की रक्षा के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए अपनी आहुति दे दिया। कुछ ऐसे परिवार थे जो परिवार के सभी सदस्य इस क्रांतिकारी आंदोलन में लगे हुए थे। तो एक चैप्टर भारत के इतिहास में पढ़ा जाता है, मैं पढ़ाता हूं, वह है क्रांतिकारी आंदोलन। और उसको तीन चरण में हम लोग बांट के पढ़ते हैं, वह हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के पहले का चरण, प्रथम विश्व युद्ध के समय का चरण और प्रथम विश्व युद्ध के बाद का चरण। साथियों,
अगर परीक्षा में आपसे पूछ दे कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ? महाराष्ट्र से हुआ था। महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत जो है, पुणे से इसकी शुरुआत जो है वह हुआ था, और देखते देखते भारत के विभिन्न क्षेत्रों में यह फैल गया। केवल भारत में नहीं, विदेशों में भी क्रांतिकारी आंदोलन को संचालित किया गया। जब भारत का इतिहास आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि भारत के साथ साथ प्रत्येक फेज में विदेशों में भी क्रांतिकारी आंदोलन को संगठित किया गया था। तो जब सारे क्षेत्र पर प्रभाव पड़ेगा, विदेश भी प्रभावित हो जाएगा इस आंदोलन से, तो अपना बिहार भला कैसे अछूता रह सकता था? और बिहार ने भी यह दिखलाया कि मैं किसी भी प्रकार का आंदोलन होगा उसमें साथ दूंगा। बिहार की जनता उसमें 100% साथ देगी, क्योंकि देश की आन बान और शान की बात है और स्वतंत्र हम लोगों को हो जाना है। इसके लिए क्रांतिकारियों का एक ही मकसद था, जैसे को तैसा। अगर आप खून करते हैं, मैं भी खून करूंगा। आप समझौता नीति के तहत आते हैं, मैं भी समझौता नीति के तहत आऊंगा। आप एक मारेंगे, हम 10 मारेंगे। इस नीति पर इन लोगों ने चल करके हथियारों का प्रयोग करके, हत्या हिंसा प्रतिहिंसा का प्रयोग करके और देश को आजाद कराने में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निश्चित रूप में निभाया था। तो बिहार में अगर हम लोग बात यहां करें तो बिहार में जो प्रारंभिक नाम आता है वह है ज्ञानेंद्र। ज्ञानेंद्र नाथ मिश्र का यह नाम है। बाबा जी ठाकुर दास, केदारनाथ, केदारनाथ बनर्जी। तो यह आप लोगों का नाम जाना पहचाना नहीं है, लेकिन अब जो दो नाम लिखेंगे वह आप लोगों का जाना पहचाना नाम है। जैसे प्रफुल्ल साकी, खुद्दी राम बोस। तो यह दो आप निश्चित रूप से इन लोगों के बारे में जानते होंगे। तो प्रारंभिक रूप में बिहार में क्रांतिकारियों का यह नाम साथियों लिया जा सकता है, और इन लोगों ने प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक कदम पर अपना सहयोग दिया था। जैसे अगर उदाहरण स्वरूप हम लोग बात करें यहां पर, तो आप बाबा जी ठाकुर की बात कर सकते हैं, या इन्होंने पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना कर दिया और क्रांतिकारी गतिविधि को यहां से संचालित किया जाने लगा था। इसके साथ ही इन्होंने द मदर लैंड समाचार पत्र का प्रकाशन भी शुरू कर दिया। एक बात आपको यहां ध्यान रखना है, बाबा जी ठाकुर दास ने भी द मदर लैंड समाचार पत्र का प्रकाशन किया था और मौलाना मजहरुल हक ने भी किया था। तो दो लोगों ने इस नाम से, एक ही नाम से समाचार पत्र का प्रकाशन किया। तो आपको ध्यान देना होगा, अगर यह नाम नहीं रहेगा, बाबा जी ठाकुर दास नहीं रहेगा,
और द मदरलैंड के संपादक, तो मौलाना मजहरुल हक निश्चित रूप से रहेगा और वह आंसर हो जाएगा। अगर वह नाम नहीं रहेगा तो बाबा जी ठाकुर दास रहेगा और यह आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब इसमें किसी भी प्रकार का आपका दोहराव नहीं होना चाहिए और भूलना नहीं चाहिए। उसके बाद यहां पर हम लोग देख रहे हैं प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, तो इनकी जो हम लोग कहानी वगैरह में भी पढ़े हैं, पिक्चर में भी दिखलाया गया है, जो भगत सिंह पिक्चर जो आया था तो उसमें शायद दिखलाया गया, मैंने देखा नहीं है लेकिन दिखलाया गया होगा, और कहानियों में तो हम लोग इनके बारे में जानते हैं। इन दोनों ने, यह दोनों जो थे ना, यह किसके सदस्य थे? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस तो अनुशीलन समिति के सदस्य थे साथियों, अनुशीलन समिति, आगे चर्चा करेंगे हम लोग। और इन दोनों को जिम्मेवारी दिया गया था किंग्स फोर्ड, किंग्स फोर्ड की हत्या करने के लिए। यह मुजफ्फरपुर जिला मजिस्ट्रेट थे और इनकी हत्या जो है वह करने की जिम्मेवारी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को दे दिया गया। अब क्रांतिकारी क्या थे कि अगर कोई टारगेट ले लेते थे तो पहले उसकी रेकी करते थे, 5 दिन, 6 दिन, 1 सप्ताह, 1 महीना, 1 महीना से ज्यादा दिन, पूरे गतिविधियों पर नजर रखते थे, अवलोकन करते थे और उसके बाद घटना को अंजाम देते थे। तो यह किंग्सफोर्ड जो थे मुजफ्फरपुर के, इनकी संपूर्ण गतिविधि को इन लोगों ने अध्ययन किया, दोनों ने मिल करके, और अध्ययन करने के बाद 1908 में इनके ऊपर बम से प्रहार करने का प्लान बना दिया कि बम से मार करके इनकी हत्या कर दिया जाएगा। कैसे हत्या कर दिया जाएगा? तो यह प्रतिदिन बग्घी में बैठ करके आते जाते थे, बग्घी होता था जिसको घोड़ा खींचता था, इसको घोड़ा गाड़ी भी कहते हैं हम लोग, और उसी बग्घी में यह बैठ करके आते जाते थे। तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने कुछ दूरी बना लिया, जैसे मान लीजिए मुजफ्फरपुर की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रफुल्ल चाकी यहां पर हो गए, यहां और लगभग 1 किलोमीटर या 0.5 किलोमीटर आप कह सकते हैं कि दूरी पर खुदीराम बोस हो गए कि इधर से किंग्सफोर्ड आएगा तो मैं यहां प्रहार करूंगा, अगर संयोग से यह बच गया और भागने का प्रयास यहां करेगा तो तुम यहां आक्रमण कर देना बम से, किसी भी कीमत पर यह जीवित नहीं बचना चाहिए, और वही घटना को अंजाम जो है वह दे दिया गया। 1908 में प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड को मारने के लिए बग्घी पर बम से प्रहार कर दिया, लेकिन होता क्या है कि जिसको भगवान बचाने वाला होते हैं उसको कोई नहीं मार सकता, यह कहा गया कहावत है। उस दिन यह बग्घी में नहीं था, किंग्सफोर्ड बैठा ही नहीं था, और उसमें 2 निर्दोष महिलाएं थी, मैडम कैनेडी और इनकी पुत्री, यह दोनों उस बग्घी में उस समय बैठी हुई थी और इन दोनों की मृत्यु जो है वह हो जाती है, किंग्सफोर्ड यहां बच जाता है। अब चारों तरफ यह खबर आग की तरह फैल गया कि किंग्सफोर्ड को मारने का प्लान बनाया गया था लेकिन मैडम कैनेडी और उसकी पुत्री की हत्या हो गई, मृत्यु हो गई, बहुत बड़ी बात थी। आप अंग्रेज अधिकारी की हत्या का प्लान बनाते हैं और अंजाम भी दे देते हैं तो चारों तरफ मुखबिर जो है वह फैल जाते हैं। कहानी में लिखा हुआ है कि इन दोनों ने पहले से ही प्लान कर रखा था कि हत्या करने के बाद, घटना को अंजाम देने के बाद एक साथ हम लोग नहीं चलेंगे, अलग अलग चलेंगे और एक निश्चित स्थान पर जाकर के मिल जाएंगे, और इस प्लान को अंजाम देने के बाद यह जो है प्रफुल्ल चाकी ट्रेन के माध्यम से, यह ट्रेन में चढ़ जाते हैं
और यात्रा शुरू करते हैं और खुद्दीराम बोस जो है वह रेल पटरी को पकड़ करके आगे बढ़ते हैं। ऐसा माना गया है कि रेल पटरी पर अगर आप चलते हैं अनजान जगह पर तो कहीं ना कहीं मंजिल तक वो आपको पहुंचाएगी, स्टेशन पर पहुंचाएगी, शहर पर पहुंचाएगी, रास्ता आप नहीं भटक सकते हैं। तो यही उन्होंने किया था। प्रफुल्ल चाकी जिस बोगी में बैठे हुए थे उसी में एक भारतीय इंस्पेक्टर आकर के बैठ जाता है। वह सादे लिबास में था, बैठ गया, बातचीत इन दोनों की होने लगी और बातचीत के क्रम में जैसे ही प्रफुल्ल चाकी को पता चलता है कि यह पुलिस का आदमी है, यह अंदर से काफी घबरा जाते हैं और अगले स्टेशन पर इन्होंने उस बोगी को बदल दिया। वह इंस्पेक्टर था, बातचीत में उसको भी शक होने लगा क्योंकि जो स्केच जारी किया गया था दोनों का लगभग मिलता जुलता था, तो उसको संदेह हो गया था। लेकिन जब इन्होंने बोगी बदल दिया, डब्बा बदल दिया, तब उसका संदेह जो है पूर्ण रूप से यकीन में बदल गया और चारों तरफ से घेर लिया गया। अब इनके पास कोई विकल्प नहीं था प्रफुल्ल चाकी के पास, इसलिए स्वयं इन्होंने गोली मार करके आत्महत्या कर लिया। अब खुद्दीराम बोस रेल पटरी को पकड़ करके आगे बढ़ते चले गए। सुबह होती है, एक गांव पहुंचते हैं और दातुन से यह मुंह धो रहे थे। हमने पहले भी चर्चा किया था कि बिहार में चौकीदारी कर लगता था और चौकीदार लोग जो हैं वह खुफियागिरी का कार्य करते थे। तो एक छोटे से गांव में नाश्ता पानी का दुकान रहा होगा, वहीं पर यह मुंह धो रहे थे। छप चुका था पेपर में कि किंग्सफोर्ड को मारने के प्लान किया गया था क्रांतिकारियों के द्वारा, लेकिन निर्दोष मैडम कैनेडी और उसकी पुत्री की हत्या हो गई, किंग्सफोर्ड बच गया। लोग चर्चा कर रहे थे, आपस में नहीं चर्चा होता है, तो उसी तरह से अब इन्होंने जब सुना, इनके मुख से निकल गया ओह किंग्सफोर्ड बच गया, इतना ही शब्द निकला था, वो किंग्सफोर्ड बच गया। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और वहां पर जो चौकीदार था वह थाने में रिपोर्ट कर दिया और खुद्दीराम बोस जो है वह पकड़ में आ गए। इनको मुजफ्फरपुर जेल लाया गया और मुजफ्फरपुर जेल में ही 1908 में खुद्दीराम बोस को फांसी दे दिया गया। साथियों, यहां प्रश्न पूछा जा सकता है, तो प्रश्न यह होगा कि सबसे कम उम्र में, मात्र 19 वर्ष, सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले कौन क्रांतिकारी थे? तो खुद्दीराम बोस थे। लगभग 19 वर्ष की अवस्था में मुजफ्फरपुर के जेल में खुद्दीराम बोस को 1908 में फांसी की सजा दे दिया गया। तो प्रारंभिक जो क्रांतिकारी थे बिहार में वह यहां पर लगभग समाप्ति की तरफ हो जाते हैं। तो यह इनसे संबंधित बात है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने का मतलब क्या है, मैंने अभी आप लोगों को बतलाया था कि यह दोनों जो थे यह किसके सदस्य थे। तो आप यहां देखिए, अनुशीलन समिति, इसी के सदस्य थे। प्रथम विश्व युद्ध के पहले सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी संगठन यही था, इसकी स्थापना किए थे वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। यह स्वामी विवेकानंद के भाई थे, भूपेंद्र नाथ दत्त क्रांतिकारी विचारधारा के थे। तो इन्हीं दोनों ने मिल करके अनुशीलन समिति की स्थापना बंगाल में किया था और यही सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी संगठन था प्रथम विश्व युद्ध के पहले, और इसी के सदस्य यह लोग थे। अब इस अनुशीलन समिति की स्थापना कर दिया गया। अब भारत
के विभिन्न क्षेत्रों में शाखा के रूप में अनुशीलन समिति की स्थापना किया जाने लगा। तो इसकी स्थापना बिहार में भी हुआ, महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखना है आपको। और 1913 में पटना में अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति का गठन किया गया। इसको पटना अनुशीलन समिति भी कहते हैं, ध्यान रखना है। यह शाखा के रूप में है, पटना में हुआ, लेकिन इसको पटना अनुशीलन समिति भी कहते हैं। और इसकी स्थापना किसने किया था, तो यह आपको पूछ सकता है, सचिंद्रनाथ सन्याल। सचिंद्रनाथ सन्याल ने पटना अनुशीलन समिति की स्थापना 1913 में किया था। तो साथियों, इस संगठन ने भी बिहार में काफी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वह निभाया था। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन अगर डाले, कठिन करे, कि पटना अनुशीलन समिति की स्थापना सचिंद्रनाथ सन्याल ने किया, तो इनको सहयोग किसने प्रदान किया था, तो यहां एक दो नाम आएगा, जैसे मैं यहां लिख रहा हूं, नलिनी बागची, फरीभूषण, नलिनी बागची, फरीभूषण, रेवती रमन नाग। तो यह रेवती है, रेवती रमन नाग, फरीभूषण और नलिनी बागची ने किसको सहयोग किया था, तो सचिंद्रनाथ सन्याल को सहयोग किया था, जिन्होंने पटना अनुशीलन समिति की स्थापना कर दिया था। तो यह महत्वपूर्ण पॉइंट आप यहां देख रहे हैं। थोड़ा सा हम लोग साथियों और आगे बढ़ेंगे, और कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति को और हम लोग यहां शामिल करेंगे, और वह महत्वपूर्ण व्यक्ति होंगे, यहां पर आप देख सकते हैं, वैकुंठ शुक्ल, योगेंद्र शुक्ल, शील भद्र याजी, इन लोगों ने भी बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन में बहुत अधिक कार्य को संपन्न किया था। साथियों, यह नाम बिहार में महत्वपूर्ण है, और वैकुंठ शुक्ल तो क्वेश्चन में पूछा भी जा चुका है, बिहार बीपीएससी की परीक्षा में वैकुंठ शुक्ल नामक क्रांतिकारी के बारे में पूछ भी दिया गया है। साथियों, वैकुंठ शुक्ल या बिहार के महत्वपूर्ण क्रांतिकारी नेता थे, और इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधि को ऊंचाई पर ले जाने का कार्य जो है वह संपन्न किया था। ऊंचाई पर ले जाने का कार्य का मतलब क्या, कि इन्होंने अपने ओजपूर्ण भाषणों से, अपने विवेक का प्रयोग करके युवा वर्ग को, नौजवान वर्ग को अपनी तरफ आकर्षित किया, और इस आंदोलन को बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में इन्होंने फैला दिया था। तो इसके लिए वैकुंठ शुक्ल का नाम जो है वह साथियों आता है। हम लोग जानते हैं
किंग भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत फांसी की सजा दे दिया गया था। सैंडर्स की इन लोगों ने हत्या किया था और वही सैंडर्स जिसने लाठी प्रहार का आदेश दिया था और उस लाठी प्रहार से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, उसका बदला क्रांतिकारियों ने लिया और सरकार ने लाहौर षड्यंत्र केस इन लोगों पर लगा दिया और उसी के तहत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दे दिया गया। भारत का इतिहास जब पढ़ेंगे क्रांतिकारी आंदोलन तो वहां पर व्यापक रूप में चर्चा करेंगे, लेकिन भगत सिंह को लाहौर षड्यंत्र केस में जोड़ा गया एक भारतीय गद्दार व्यक्ति था, वही जो है सरकारी गवाह बन गया और जिसके चलते इन तीन लोगों को फांसी दे दिया गया। उस गवाह का नाम था फणीन्द्र घोष, फणीन्द्र घोष। तो बैकुंठ शुक्ल ने क्या किया, यह सरकारी गवाह बन गया था और इसके चलते तीन महत्वपूर्ण लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया था जिसमें भगत सिंह भी शामिल थे, इसकी हत्या कर दिया, फणीन्द्र घोष की हत्या करके बदला ले लिया गया। लेकिन 1934 में इनको फांसी की सजा, बैकुंठ शुक्ल को फांसी की सजा जो है वह दे दिया गया। अब इसके बाद है योगेंद्र शुक्ल या योगेंद्र नाथ शुक्ल भी कहते हैं, इनको अंडमान के जेल में कैद कर दिया गया और इन्होंने अंडमान जेल में भूख हड़ताल किया था। तो यह एक पॉइंट बन सकता है, सील भद्रयाजी, यह काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसलिए है ना कि सभी क्षेत्रों में इन्होंने कार्य किया। यह राष्ट्रीय आंदोलन में सहयोग करते हैं, समाजवादी आंदोलन के विकास में योगदान देते हैं, यह क्रांतिकारी आंदोलन के साथ भी मिलकर के कार्य करते हैं और किसान आंदोलन का भी इन्होंने नेतृत्व किया था। तो सिलभद्र याजी जो है ऑलराउंडर के रूप में माने गए हैं। साथियों, यह व्यक्ति पटना के बख्तियारपुर, यह पटना के बख्तियारपुर के रहने वाले थे। जब किसान आंदोलन चलाया गया तो पटना जिला किसान सभा का नेतृत्व इन्होंने किया था, पटना जिला किसान सभा। अगर परीक्षा में पूछ दे तो किसान आंदोलन में तो सिलभद्र याजी का नाम आ जाएगा और इन्होंने वहां नेतृत्व प्रदान किया था। आगे जब बढ़ते हैं तो इनको सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में कैद कर दिया गया था, इनको भी साथियों बांकीपुर जेल में कैद किया गया था। आगे चल करके इन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन में अपना जीवन जो है वह समर्पित कर दिया। तो यह तीन नाम यहां पर निकल करके सामने आ रहा है। इसके बाद अब संक्षिप्त बात हम लोगों का यहाँ बाकी है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तब बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन जो है वह समाप्त हो जाएगा। केशव प्रसाद सिन्हा का नाम आएगा साथी। अब यहां हम लिख रहे हैं केशव प्रसाद, सिन्हा, इन्होंने गया षड्यंत्र कांड को अंजाम दिया था। गया में इन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन चलाया गया, केस इन पर क्या बना, गया षड्यंत्र कांड, यही इन पर केस जो है वह बना था। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो यह भी जेल से रिहा हुए और इसके बाद इन्होंने गांधी
सेवा मंडल, गांधी सेवा मंडल की स्थापना कर दिया। तो यह केशव प्रसाद सिन्हा से संबंधित जो है महत्वपूर्ण हम लोगों का तथ्य यहां बन जाता है। साथियों, इसमें हम लोग चर्चा बहुत सारा कर लिए, और अगर क्रांतिकारी आंदोलन में प्रश्न पूछ देता है तो यहां से आप लोगों को जवाब जो है वह मिल जाता है। अब अंतिम व्यक्ति का नाम है यहां, और वह नाम मैं यहां लिख रहा हूं, जैसे बसावन, बसावन सिंह, या केवल बसावन आप कह सकते हैं। यह भी बिहार के क्रांतिकारी विचारधारा के थे। प्रारंभ में इनको बांकीपुर जेल में रखा गया था, लेकिन बाद में इनको गया जेल में शिफ्ट कर दिया गया, और उसी गया जेल में इन्होंने 57 दिन तक भूख हड़ताल किया था। जैसे हम लोग भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें जतीन दास का नाम आता है, जिन्होंने लाहौर जेल में 64 दिन भूख हड़ताल किया, 63 दिन, और 64वें दिन उनकी भूख हड़ताल से मृत्यु हो गई। तो कई बार परीक्षा में पूछा गया है किसकी, 64वें दिन भूख हड़ताल से लाहौर जेल में मृत्यु हो गई, जतीन दास। इनकी मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन इन्होंने 57 दिन तक भूख हड़ताल जो है वह किया था। आगे चल करके यह श्रमिक आंदोलन से भी जुड़ जाते हैं। तो देखिए यहां पर इन्होंने कई संगठन को स्थापित कर दिया। साथियों यहां देखना है, गया सूती, गया सूती मजदूर यूनियन, इसकी स्थापना करते हैं। फिर दूसरा जपला, जपला मजदूर यूनियन, इसकी स्थापना इन्होंने किया। फिर 1937 में, 1937 में इन्होंने जमालपुर में, जमालपुर में, या मैं लिख रहा हूं जमालपुर, जमालपुर में रेल वर्कशॉप, कामगार यूनियन, इसकी स्थापना कर दिया जमालपुर में, रेल वर्कशॉप कामगार यूनियन। आगे जब देश आजाद होता है तो यह पूर्वोत्तर रेलवे के, पूर्वोत्तर रेलवे यूनियन के अध्यक्ष भी निर्वाचित हो जाते हैं। बसावन जो है पूर्वोत्तर रेलवे के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था, और इन्होंने हिंदू, हिंदू मजदूर सभा की भी स्थापना किया था। तो बहुत सारे संगठन है, तो यहां से पूछा जा सकता है इनसे संगठन के बारे में, और इस संगठन को आपको याद रखना है। तो यहां स्पष्ट क्या हो रहा है कि यह क्रांतिकारी विचारधारा के साथ साथ मजदूरों के हितैषी भी थे, और मजदूर आंदोलन में भी इन बसावन का अध्ययन जो है वह किया जाता है। तो साथियों हम लोग यहां पढ़े कांग्रेस और बिहार, होम रूल लीग आंदोलन और बिहार, क्रांतिकारी आंदोलन और बिहार, तो यही क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके पहले का तथ्य जो है हम लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, या आप लोग अच्छी तरीका से समझ चुके हैं।
इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहां से अगर परीक्षा में आपको प्रश्न पूछे तो आपको गलत जवाब जो है वह नहीं देना है। सब महत्वपूर्ण पॉइंट को दिमाग में रखना है, याद कर लेना है साथियों, और किसी भी प्रकार का भटकाव दोहराव जो है वह नहीं होना चाहिए। मैं अब अंतिम पड़ाव की तरफ हूं। आप लोगों के लिए लगभग अगर दो दो घंटा का चार वीडियो अगर उसमें शामिल कर दिया जाए तो लगभग मैंने 50-51 वीडियो जो है बना दिया साथियों, लगभग 51-52 घंटा का क्लास अब तक हो चुका है। तो जो नए लोग हैं, इतना मेहनत किया गया आप लोगों के लिए समय निकालकर, एक घंटा के वीडियो होती है, नहीं समझिए कि एक घंटा लगता है, इसमें 4-5 घंटे लगते हैं। पूरा माइंड जो है वो सेट करना पड़ता है, कौन कहां पर पॉइंट जाएगा, किस तरह से किया जाएगा, और पूरे सेटअप को तैयार करके किया जाता है। फिर भी कहीं ना कहीं लाइट भी का कभी प्रॉब्लम हो जाता है, कभी साउंड का प्रॉब्लम हो जाता है, फिर उसको खत्म करके फिर बनाया जाता है। तो एक घंटा उसको आप नहीं सोचिए, बहुत अधिक मेहनत लगता है, और यह डायरेक्ट जो है आपके पास भेजा जा रहा है। यह आमने सामने वाली क्लास तो है नहीं कि रुक गए और आपको समझा दिए फिर हम आगे बढ़े, यहाँ पर जो कुछ है वह बोलते चले जाना है। तो जो भी नए लोग हैं वह सब्सक्राइब करें अनएकेडमी के इस चैनल को। लाइक तो बनता है, लाइक आप लोग सब लोग नहीं करते हैं, लाइक तो कीजिए, शेयर भी कीजिए, बेल आइकॉन जो है उसको भी टच कर दीजिए कि जो कुछ भी नया आपको आ रहा है वह आप अवगत हो जाए। जैसे 1857 के विद्रोह के असफलता का कारण और परिणाम का वीडियो जिस दिन हम लेकर के आए थे, उसमें एक बंधु ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया था कि किसान आंदोलन सर पहले आ गया और 1857 का विद्रोह का परिणाम और असफलता का कारण बाद में आया, पहले वह करना चाहिए था, और वह वीडियो को नहीं देख पाए थे। तो मैंने उनको रिप्लाई दिया और उन्होंने उस वीडियो को देखा, तब उनको वह समझ में आया, क्योंकि हम लोग क्रमानुसार चल रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी हुआ कि उन्होंने रिप्लाई किया कि वह इतने बारीक तरीका से अध्ययन कर रहे हैं, वीडियो को एक एक करके देख रहे हैं। तो अभी तो उन्होंने हमारे पास मैसेज भेजा था, हमें सुझाव दिया था, और मुझे उनका सुझाव जो है वह बहुत अच्छा लगा और मैंने उनको रिप्लाई भी दिया। तो इसी तरह से अगर कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया था, इस पर आप सुझाव जो है वह दे सकते हैं। फिर यहां लिख दे रहे हैं 8294687816। इस पर आप व्हाट्सएप नंबर भी है, आप व्हाट्सएप नंबर से बात कर सकते हैं मैसेज के द्वारा, या कॉल करके भी बात कर सकते हैं। आप लोगों का सुझाव जो है वह सादर आमंत्रित है, जैसे आपको समय मिलता है। जरूरी नहीं है कि आप जब मैसेज भेजेंगे व्हाट्सएप पर मैं उसी समय आपको रिप्लाई दे दूंगा, रिप्लाई मैं देता हूं, लेकिन टाइम जब हमको मिलता है उसी के अनुसार मैं रिप्लाई देता हूं। तो आप कोई सुझाव दे सकते हैं जिसे और अच्छा कर दिया जाए, उसमें आपको हिचकिचाने की बात नहीं है कि सर है, सर जो है वह DPO है, BPSC कंप्लीट करके और तब पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी आप लोगों के फ्रेंड की तरह हूं और आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोग इससे हमसे ज्यादा अच्छा रैंक जो है वह प्राप्त करेंगे और मनचाहा पद जो है वह आप लोगों को मिलेगा। तो इस नंबर पर आप हमसे बात कर सकते हैं, और हमेशा नहीं, ऑफिस का टाइम रहता है 5 बजे के बाद, जो आप 5-6 वीडियो देखते हैं तो 6 बजे के बाद आप इस पर बात कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत शुभकामना। अब हम लोग बिल्कुल अंतिम पड़ाव की तरफ है, बिहार के इतिहास में यह खत्म हो जाएगा 1-2 वीडियो में, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे भारत का इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास।